सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रवि सर पंजाब स्टडी हब के उपर एक बार फिर तो स्वागत करदा। ये पॉलिटी का ना अपना तीजा लैक्चर है। इस दे विच दो लैक्चर मैं इस तो पहला अपलोड कर दिते ने। सो इस दे विच असी अज वेखांगे संविधान के किहड़े किहड़े फीचर्स ने, मतलब किहड़ी किहड़ी खासियत साडे संविधान दे विच हैगियां ने जिहड़े साडे संविधान नूं वख बनाउंदी है दूजे संविधानां नालों, ठीक है। उस दे बारे असी इस दे विच डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो जिहड़े भी स्टूडेंट इस चैनल उपर नवें ने, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया जी इस चैनल नूं, अपने फ्रेंड्स के नाल भी शेयर कर दिया जी, ठीक है जी। तो अपनी वीडियो नूं आपां स्टार्ट करिए ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए। पहली गल, जिहड़ा साडा संविधान है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट का कहने का भाव है कि मतलब बहुत ज़्यादा वड्डा संविधान है। इहदे विच 395 ते आर्टिकल ने, अनुच्छेद जिहनूं कह दिंदे आ, 8 अनुसूचियां ने जिहनूं शड्यूल कहिंदे आ, ते 22 साडे पार्ट ने, पार्ट मतलब भाग ने, ठीक है जी। तो ये तुसी अपनी कॉपी दे विच लिख लो, ठीक है जी। तो इस तो कह सकते हो जी जिहड़ा साडा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सी ना वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का भाव है कि पहली संविधानिक शोध होने तो पहला जिहड़ा संविधान जिहड़ा बना के दिता सी सानू कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने, जिहड़ा आपां 26 जनवरी 1950 दे विच लागू किया सी, उस संविधान के बारे गल हो रही है कि वह ओरिजिनल दे विच इन्ने पार्ट सी उहदे विच, ठीक है जी। फिर कहिंदा जी ए ना ये संविधान जिहड़ा हैगा बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक रिजिड भी है एक फ्लैक्सीबल भी है, मतलब इनू पंजाबी दे विच कहांगे लचीला भी बहुत है, तो इनू जिहड़ा इहदे विच अमेंडमेंट करनी शोध करनी आसान भी बड़ी है तो टफ भी बहुत है। तो ये किवें है, इसलिए रिजिड हुंदा है जिहदे विच संविधान च जिहड़ा अमेंडमेंट शोध करनी बड़ी औखी होवे, ते फ्लैक्सीबल उदों हुंदा कि जदों संविधान दे विच शोध करनी बड़ी आसान होवे। ते साडे तो संविधान दे विच ना दोनों खासियत पाई जांदियां ने। देखो जी, जिवें साडे संविधान दे विच ना तीन तरह की मजोरिटियां हुंदियां ने, किसी भी बिल नूं ना पास करन वास्ते ना तीन मजोरिटियां लगदियां ने, मतलब जिन्ने पहली हुंदी है सिंपल मजोरिटी, सिंपल मजोरिटी जिहदे विच बिल आपां किवें पास करदे हां, जिन्ने बंदे प्रेजेंट ने उहदे विच 50% बंदे ते 1+1 वोट उपर पाओ ते सिंपल मजोरिटी नाल बिल बड़ी आसानी नाल पास हो जाता है। सैकेंड मजोरिटी जिहड़ी हुंदी उहनूं कहिंदे आ स्पैशल मजोरिटी। स्पैशल मजोरिटी का मतलब हुंदा है कि तुसी जिन्ने भी बंदे प्रेजेंट ने उहदे विच 66% वोटां पवा दो, ठीक है जी। तो उहदे विच थोड़ा जिहा औखा हो गया पास करना संविधान नूं। फिर हुंदा लास्ट वाला जिहड़ा स्पैशल मजोरिटी प्लस 50% स्टेटां नूं मनाउणा। इहदे विच जिहड़ा ए मजोरिटी दे विच बिल नूं पास करना बड़ा औखा हुंदा, इहदे विच 66% वोटां तां चाहीदियां चाहीदियां ने, ते जिन्नियां वी स्टेटां ने 28 स्टेटां ने उहदे विच 2 नाल भाग करो, 14 स्टेटां दी अनुमति उहनां नूं सहमत करवाउणा वी नाल जरूरी है, तां करके साडा संविधान रिजिड बन जांदा है। जदों सिंपल मजोरिटी से उदों फ्लैक्सीबल बन जांदा है। तो यह दोनों सुविधावां ने। सब तो टफ संविधान जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच औखा जिहड़ा पास करना है ना वो हैगा जी अमेरिका दा, USA दा, ठीक है जी, सॉरी USA दा। तो उन्होंने तुहानू पता जी हजे तक 7 अमेंडमेंटा हुई ने, 200 साल पहला वो देश आजाद हो गया सी ते अज तक, तो ये भी तुसी याद रखिया जी। उस तो बाद कहिंदा जी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तीजा फीचर की है जी साडे देश दे विच पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम मतलब की है जी, इत्थे सेंटर भी है इत्थे स्टेट भी है। स्टेट दे विच जिहड़ा मेन हैड हुंदा उह हुंदा प्रेजिडेंट जिहनूं आपां यूनियन दा हैड कहिंदे आ, ते जिहड़ा गवर्नर हुंदा उह हुंदा राज्य दा हैड जिहनूं आपां, ते इह दोनों किहदे बेस ते काम करदे ने, इहनां नूं इक काउंसिल हुंदी है, काउंसिल दे विच जे काउंसिल मिनिस्टरां दी होवे सेंटर दे विच तां उहनूं मंत्री मंडल कहिंदे आ, उहदे विच प्रधान होऊगा प्रधानमंत्री जिहड़ा इह प्रेजिडेंट दीआं पावरां नूं यूज़ करूगा। जे ये काउंसिल होवे स्टेट दे विच तां इस स्टेट दे काउंसिल दे विच प्रधान जिहड़ा इहनां दा मुखी होगा उहनूं कहांगे मुख्यमंत्री जिहनूं CM कहिंदे आ, तां उह गवर्नर दे थ्रू कम करूगा, गवर्नर दीआं पावरां यूज़ करेगा। आई होप कि पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ आ गया तुहानूं। उस तो बाद जे तुहानूं वीडियो वधिया लग रही है तां प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया जे, ताकि साडी रेटिंग उपर आउंदी है वीडियो दी ते होरां नूं वी शो हुंदी है। उस तो बाद गल करिए आपां इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब साडी जिहड़ी न्यायपालिका ना उह इक किसी दे वी अंडर कम नहीं करदी। इंडिया दे विच जिहड़ी तुहानूं पता सब तो थल्ले जिहड़ी लोअर कोर्ट्स हुंदियां ने, लोअर कोर्ट तो उपर किहड़ी हुंदी है सैशन कोर्ट जिहनूं आपां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह दिंदे आ क्रिमिनल, ते उस तो बाद हुंदी है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो उपर सुप्रीम कोर्ट, सब तो उपर सुप्रीम कोर्ट, ते एक दूजे नाल जुड़िया हुई ने, ते एक दूजे तो इंडिपेंडेंट ने, किसी के हेठां काम नहीं करदियां, जिस करके साडे देश दे विच जुडिशरी नूं इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिड जुडिशरी कहा जाता है, ठीक है जी। सब तो उपर आती है सुप्रीम कोर्ट, सब तो थले जी आती है हाई लोअर कोर्ट्स, ठीक है जी। इंडिया के संविधान के विच, ते इंडिया के संविधान के विच तुहानू पता है जी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है इसनों मेन मन्निया गया, ठीक है जी। इहदे बारे आपां डिटेल दे विच ना जदों आपां पढ़ांगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे उत्थों आपां डिस्कस करांगे इहदे बारे, ठीक है जी। तो इस टाइम तो फिलहाल इन्ना याद कर लो। फिर हुंदा जी फैडरल सिस्टम ते यूनिटरी सिस्टम दे विच की फर्क हुंदा है। देखो जी, जिथे हुंदियां
जे फैडरल गवर्नमेंट होगी, फैडरल का मतलब है जिथे दो सेंट दो एक होवे सेंटर एक होवे स्टेट गवर्नमेंट, जिथे दो होन ते जिथे यूनिटरी होवेगी उत्थे कल्ली सेंटर गवर्नमेंट होवेगी। तो ये दोनों के फीचर सानू मिक्स साडे इंडिया के संविधान च पाए जाते हैं, तो कुछ फैडरल के फीचर ने कुछ यूनिटरी के ने। वो किहड़े किहड़े ने पहले आपां वेख लैने आ फैडरल के फीचर किहड़े किहड़े ने। फैडरल दे विच जी पावरां दा डिवीजन होवेगा, तुहानू पता है सेंटर ते स्टेट दोनों आपस लड़ना पैण तां इहनां दी पावरां डिवाइड कीतियां, तुहानू पता इहदे विच सबजैक्ट वंडे होए ने, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एवें करके ना आपां समवर्ती सूचियां दे विच इहदे सबजैक्ट वंडे होए ने, ताकि इहनां दी पावरां डिवाइड होण, अपना अलग अलग काम करन, आपस दे विच लड़न ना। ठीक है जी, जिस करके हुण इस तों बाद जी इहनां दी पावरां लिखियां वी होणगियां, रिटर्न दे विच होणगियां। हो सकता है सेंटर ज़्यादा धक्का कर जाए स्टेट नाल, जिस करके इहनां दी पावरां वी लिखियां होईयां ने। फिर उस तों बाद जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि जे मान लो पावरां दे पिछे लड़ पे किसी सबजैक्ट पिछे वी इहदे च कानून मैं बणाउणा है उहदे च मैं, तो उस चक्कर दे विच की है जी साडी जुडिशरी जिहड़ी है उहनूं इंडिपेंडेंट कीता गया। ठीक है जी, इह तुसीं याद रखना है।